एवरीवन ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दिस ब्लॉग। सुबह कहाँ निकल गए यार, निकल गए हैं सब्जी लाने, सब्जी मंडी है ना। बहुत दिन के बाद तो जा भी रहा हूँ ना यहाँ पे सब्जी मंडी, अप्रॉक्स 20 दिन के बाद एकदम, है कि नहीं। माहौल ठीक ठाक चलो कोई नहीं, आई होप आज का दिन सबके लिए एकदम बेस्ट रहे एकदम। चलो रिवन तो फाइनली आ गया, देखते हैं क्या कैसे आज सब्जी का माहौल है एकदम। देख रहे, भीड़ भाड़ तो रहता है, ये रहता है। और सबसे बड़ा मंडी है ना बीकानेर में, है ना, सबसे बड़ा मंडी है एकदम। एकदम पूरा ठीक ठाक था लगभग सब्जी का रेट, नहीं थोड़ा सा गोभी सिर्फ महंगा था 100 रुपये, नहीं तो बाकी टमाटर वगैरह अपने रेंज पे आ ही रहा है धीरे धीरे, 40 रुपये के जी है ना, ठीक ठाक है एकदम। अब धीरे 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 बरसात कम हो रहा है ना, तो बाकी सब कुछ अपने रेंज पे धीरे धीरे आ ही रहा है, कोई नहीं चलो। तो अभी आए हुए थे ऋषभ का स्कूल, उसको सामान छूट गया था ना, तो वही देने एकदम, फिर उसके बाद निकलना है ऑफिस वगैरह एकदम, है कि नहीं। धूप तो एकदम कंटाप है यार नो डाउट, देख लो बजादा एवरीवन। तो अभी आए हुए मार्केट में, एकदम आटा लाना था ना तो ले लेते हैं एकदम, है ना सब में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कोई कह रहा है रक्षाबंधन कल है, कोई कह रहा है परसों है, नहीं क्या कैसे है कुछ अता पता नहीं है। आप भी घुस जाओ, घुस जाओ, आप भी घुसिए जाओ, काहे बाकी रहोगे, है ना। ये है सामने तुलसी कुटी है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फेमस टेम्पल है, श्री कृष्णा का टेम्पल है यहाँ पे एकदम, दिखेगा ये वाला रहा ठीक है। और ये चौराहे से हमको जाना है राइट गया ना, ये वाला यही चौराहा है, बीकानेर रेलवे स्टेशन यहाँ से पास में ही है, होगा 500 मीटर एकदम यहाँ से, है ना। अरे जी साइड हो जाओ जी, जीवन में कभी कभी बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है यार, लेना नहीं चाहते लेकिन पता नहीं क्यों कोई कोई बात को लेकर के हो ही जाता है, क्यों ने होता ही है, अच्छा क्या किया जा सकता है। आगे फाइव पे देखो, यही है ना, इसको बोलते हैं अग्रसेन चौराहा ठीक है, अग्रसेन सर्किल करके बोलते हैं, यहीं पे है वो आटा वाला दुकान एकदम,
शुरू से ही यहीं से जाता है तो आदत सा हो गया है सब। देखे उल्टा पुल्टा ले, ऑटो वाला सब तो और परेशान करके रख देता है, उल्टा पुल्टा ले आता है एकदम, है ना, पूरा उल्टा पुल्टा एकदम कर देता है, हचर पचर एकदम। देखो यही है यहाँ पे सात बज गया एकदम, है ना, 7 बज गया। लेकिन अभी अब लगता है ना थोड़ा सा दिन छोटा जरूर हुआ है, क्योंकि सनसेट हो भी गया एकदम। नहीं तो पहले वही जो सनसेट होता था ना, मतलब 7:30 बजे 7:45 बजे ऐसे करके एकदम, देख रहे हैं ना 7 बज रहे, लेकिन अभी लग रहा है कि हाँ ठीक है अब अंधेरा हो जाएगा बहुत जल्द एकदम। 7:30 बजे तक हार्डली पूरा अंधेरा हो भी जाता है, दिन थोड़ा सा हो गया छोटा, है ना। ये देखो ये पार्क था जिसमें खूब आते थे पहले एकदम, जब इधर रहा करते थे ना तब एकदम, है ना। कहीं से घुसा देता है, यहाँ पे बीकानेर का सबसे बड़ा फास्ट फूड सेंटर जो है ना, ठीक है, वो यहीं पे एकदम कचहरी के ठीक सामने, क्योंकि हर एक तरह का जो फास्ट फूड होता है ना यहाँ पे लगभग खाना मिलता ही मिलता है, खास करके संडे को या फिर किसी भी फेस्टिवल वाले दिन तो और ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पे रहता है, नो डाउट, बहुत ज़्यादा एकदम, है ना। लेकिन ऐसे नॉर्मल डे भी ना लगभग यहाँ पे 11 बजे तक पूरा रहता है सब कुछ एकदम, बहुत ज़्यादा टेस्टी टेस्टी भी सब कुछ मिलता है एकदम, देख रहे हैं ना। बन तो अभी फाइनली बज गया 8 एकदम, और बैठ कर थोड़ा सा काम एकदम निपटाते हैं एकदम, है कि नहीं, ज़रूरी भी है। और पता है कई बार आदमी का मन उदास क्यों हो जाता है, क्योंकि देखो ये बात मुझे पता है कि अगर हम कोई भी चीज़ चाहेंगे ना कि हमको एक दिन में ही मिल जाए तो संभव है भी नहीं, है ना। यही चीज़ तो अपने खुद समझ लेते हैं, लेकिन सामने वाला जब फिर इसको थोड़ा सा ये कर देता है तो आदमी का मन उदास हो जाता है यार, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग समझ ही नहीं पाता है एकदम, बार बार कहते रहता है एकदम, क्या बताएं। लेकिन कोई नहीं, वक्त आएगा, है ना, सबका वक्त आता है, इसका भी आया है। चलो चलो बैठ के फटाफट एकदम लिख लो, है ना। क्या हुआ? अरे मोबाइल लाया, दी गई लेके आना, फटाक गेट बंद कर लेना। एवरीवन तो फाइनली अभी बज गया है रात के 11 बज गया एकदम, है कि नहीं। बैठ के काम किया था, उसके बाद खाना पीना चाप के तो खा लिया, है ना। अभी जैसे अब सेशन को बस अपलोड पे लगाना है तो रात भर में अपलोड हो जाएगा, क्योंकि सुबह 7 बजे वो सेशन रहता है, है ना, हो भी जाएगा जल्द एकदम। लेकिन चलते हैं, थोड़ा सा और कुछ काम है, लेकिन लेट करके ही करेंगे, है कि नहीं। चलो कोई नहीं, करते इस ब्लॉग को समाप्त, मिलते हैं कभी।